नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। आज हम आपसे डिंपल प्लास्टी या डिंपल क्रिएशन सर्जरी डिस्कस करेंगे। किसी भी चेहरे पर, गाल पर डिंपल होना एक सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। कई बार ये नेचुरली होता है और कई लोग इसे सर्जिकली भी क्रिएट करवा सकते हैं। सो इसमें दो तरह के डिम्पल होते हैं, मोस्टली डायनामिक और स्टेटिक डिम्पल। डायनामिक का मीन्स ये रहता है कि जब हम लोग हंसते हैं उसी समय वो डिम्पल क्रिएट हो, और स्टेटिक मीन्स नॉर्मल कंडीशन में भी रहे और हंसते समय वो और अधिक हो जाए। सो जो प्रोसीजर रहता है वो यूनिलेटरल या बायलेटरल रिक्वेस्ट की जाती है। प्रोसीजर बहुत सिंपल प्रोसीजर है, लोकल एनेस्थीशिया में किया जाता है, जिसमें हार्डली 10 to 15 minutes का टाइम लगता है और उसके तुरंत बाद पेशेंट वापस घर जा सकता है। जो डिम्पल प्रोसीजर रहता है उसमें हम लोग सबसे पहले मुंह के अंदर इंट्राओरली कुछ लोकल एनेस्थीशिया देते हैं। कुछ भी प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले हम लोग पेशेंट से डिस्कस करते हैं और हम लोग अपनी एडवाइस भी देते हैं कि किस जगह पर आइडियली डिम्पल होना चाहिए और उसका क्या डायमेंशन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग मार्किंग करते हैं, फिर लोकल एनेस्थीशिया देते हैं। लोकल एनेस्थीशिया देने के बाद एक्सटर्नली कुछ भी इसमें कट नहीं लगता, मतलब स्किन के ऊपर, गाल के ऊपर कोई भी इंसिजन या स्कार नहीं आता है। जो भी इंसिजन रहता है इंट्राओरली रहता है, मींस उसमें कोई स्कार मार्क बनने का कोई रिस्क नहीं रहता है। सो एक छोटा सा इंसिजन करीब 1 centimeter का इंट्राओरली राइट या लेफ्ट साइड में दिया जाता है। उसके थ्रू हम लोग स्किन म्यूकोसा को कट करने के बाद मसल जो रहती है उसमें कुछ ट्रॉमा करते हैं या उसे डायलेट करते हैं आर्टरी फोर्सेप के माध्यम से, और डर्मिस जो लेयर होती है स्किन की वहां तक जाते हैं। सो बेसिकली हम लोग इस प्रोसीजर में करना क्या चाहते हैं कि स्कार क्रिएट करना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू क्रिएट स्कार, और वो जो स्कार रहता है वो एक्सटर्नली डिम्पल के रूप में विजिबल होता है। कुछ सूचर्स लगाए जाते हैं जो कि इंट्राओरली रहते हैं, मुंह के थ्रू लगाते हैं, जिसमें हम लोग डर्मिस पास करते हैं और उसे वापस अंदर कुछ नॉट्स के द्वारा टाइट कर देते हैं। इसके बाद जो फॉलोअप में या आफ्टर केयर की जरूरत पड़ती है, इसमें हम लोग प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन करके रखना पड़ता है फॉर नेक्स्ट 5 days। बाहर से कोई ड्रेसिंग का जरूरत नहीं रहता है। जो स्टिचेस रहते हैं वो सेल्फ डिजॉल्विंग रहते हैं, जो कि अगले कुछ दिनों में 10 से 12 दिन में अपने आप डिजॉल्व हो जाते हैं। जो प्रोसीजर रहता है वो परमानेंट रहता है, स्थायी रहता है, सिंगल टाइम प्रोसीजर रहता है, आपको दोबारा हॉस्पिटल में आने का जरूरत नहीं रहता है, और मेडिसिन जो रहता है 4 to 5 days तक लेना रहती है। तो ये सर्जिकल वीडियो के माध्यम से हम आपको ये प्रोसीजर समझाते हैं और उसके बाद उसमें क्या रिस्क होता है, क्या कॉस्ट रहता है, वो भी आपको एक्सप्लेन करते हैं। हमारे जो पेशेंट है 24-year-old फीमेल है, जिसमें हम लोग यूनिलेटरल राइट साइड में डिम्पल क्रिएट करना चाहते हैं। सो लोकल एनेस्थीशिया हम लोग दे चुके हैं, उसके बाद हम लोग 15 number knife से एक वर्टिकल 1 centimeter साइज का इंट्राओरल इंसिजन लगाया है। इसके बाद म्यूकोसा को कट करने के बाद जो यहाँ पर मसल रहती है उसे हम लोग डायलेट कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं अप टू द लेवल ऑफ स्किन। उसके बाद कुछ सूचर रहते हैं जो हम लोग इंट्राओरली लेते हैं, जो स्किन की डर्मिस के थ्रू पास करते हैं और फिर वापस से उसे उसी धागे में सूचर कर देते हैं। सो इससे ये होता है कि जो स्किन का एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस वाला जो हिस्सा रहता है वहाँ पर एक डिप्रेशन क्रिएट होता है। ये जो सूचर दिख रहा है ये हम लोग इसे स्किन में बाहर तक लाए हैं, लेकिन इसे वापस से स्किन के नीचे की लेयर में इंसर्ट कर देंगे ताकि बाहर से कुछ ना दिखे। सो आप देख सकते हैं इस समय ये डिप्रेशन क्रिएट हो चुका है राइट साइड में, और जो स्माइल करने पर और एग्रेवेट हो जाता है।